हेलो, मैं हूं नवनीत। स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक ला रहा हूँ। क्वेश्चन जब परीक्षा में आए तो उसको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, वो जैसे मैं बोर्ड पर बनाते जाता हूँ, बस वही स्टेप भी होना चाहिए, वही तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, इससे पहले भी 2-3 वीडियो आ चुकी है। आज का जो क्वेश्चन है वो है, यदि बिंदु A 0-2 बिंदु B तथा C से समदूरस्थ हैं तो A का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना अधिक है, इसलिए इसको आपको तैयार रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बिंदु ए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ठीक है, बिंदुओं बी तथा सी से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब हुआ बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब हुआ बराबर दूरी है, तो ए का मान ज्ञात करिए। कहने का इसका मतलब है कि बिंदु ए, एक बिंदु कोई सा ले लीजिए, पहले आपको इस तरह से फोटो बनाना। देखिए, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 2, ठीक है। बिंदु बी, एक बिंदु बी ले लीजिए, 3a तथा सी से समदूरस्थ है, मतलब ये जो बिंदु है, बिंदु बी से कुछ ना कुछ दूरी तो होगा इस दोनों के बीच, बिंदु ए है, बिंदु बी है, इसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। जो दूरी होगा इस दोनों के बीच, वही दूरी ए और सी के बीच है, मतलब सी जो है अपना CA5, देखिए इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी, मतलब ये जितना है उतना ये भी है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु ए जो है वो बी से और सी से बराबर दूरी पे है। तो देखिए, बीच में ए ले लिए और ये जो दूरी है, मान लीजिए एक्स मीटर होगा, तो ये भी एक्स मीटर होगा, मीटर हो जो भी हो, यूनिट नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा बराबर दूरी पे, ठीक है। इस तरह से हम फोटो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको इस तरह से फोटो बना देना है, सही सही फोटो बनाना है, जिस तरह से वाजिब है उस तरह से फोटो बनाना है। बिंदु ए बिंदुओं बी तथा सी से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। कहने का इसका मतलब है कि मान लीजिए यहां से यहां की जो दूरी होगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो इसके बीच की दूरी को ए सी कहेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस दोनों के बीच की दूरी को ए बी कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इसके बीच की दूरी को ए बी कहेंगे, ए और बी। और ये पॉइंट सी है, ये ए है, तो इसके बीच की दूरी को ए सी कहेंगे। आप इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि सी ए लिखें या ए सी लिखें, जो अच्छा लगता है आप वो लिख दीजिए। यहां पर ए सी लिखें, आप चाहे तो सी और ए सी ए लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे बी ए लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी और ए बी, तो प्रश्नानुसार AC बराबर AB, प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार का मतलब हो गया कि प्रश्न के अनुसार, देखिए इसको ब्लैक कलर से लिख देते हैं, प्रश्नानुसार AC बराबर AB, ठीक है। प्रश्न के अनुसार यह कहा गया है कि AC जितना है, मतलब समदूरस्थ बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पे हम बना दिए, यहां से यहां तक जितना दूरी है, यहां से यहां तक भी उतना ही दूरी होगा। तो कहने का मतलब है जितना AC होगा उतना AB भी होगा, तो प्रश्नानुसार AC बराबर AB लिख दिए। अब देखिए, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, उसी में आपको दूरी का फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको फिगर बनाना है, फिर प्रश्न अनुसार AC बराबर AB कर दिए। अब AC, ये है AC, इसके बीच की दूरी निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, उसके लिए भी तो फॉर्मूला वही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर,
फॉर्मूला तो यही है। अब देखिए इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसमें किसी को x1 y1 मान लीजिए, मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला में हमको मान पुट करना है। एक बात और आप ध्यान से देखिए, देखिए इस तरफ भी रूट है, इस तरफ भी रूट है, ये समीकरण है तो दोनों तरफ रूट है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेप में यहां पर हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। अगले स्टेप में हम ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, जो रूट का चिन्ह है, वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, x2 की जगह पे x2 का मान रखिए, x2 की मतलब जीरो, माइनस है तो माइनस दीजिए, x1 की जगह पे a स्क्वायर कर दिए प्लस, y2 क्या है अपना, ये दो है, दो यहां पर दे दीजिए आप दो, माइनस y1 क्या है फाइव, यहां पे फाइव दे दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, यहां भी रूट हम नहीं लिखेंगे, x2 की जगह पे आप लिख दीजिए जीरो, x1 की जगह पे लिख दीजिए थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस, y2 की जगह पे आप लिख दीजिए टू, और फिर y1 की जगह पे लिख दीजिए आप a, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो माइनस ए तो माइनस ए हो जाएगा, जीरो में से ए को घटाएंगे तो माइनस ए होगा, और माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, प्लस दो में से पांच गया तो माइनस तीन, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, जीरो में से तीन गया तो माइनस तीन, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा। अब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, टू में से दो में से एक घटाएंगे तो ऐसा ही हमको लिखना पड़ेगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे, सरल करोगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपको इसे तोड़ना होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो पहले दो का स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, देखिए माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पे टू, बी की जगह पे ए, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या देंगे माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको तोड़ देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस दो का स्क्वायर कितना होगा चार, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस दो दूनी चार फोर ए, यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते जाइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ तक तो ऐसे बना लीजिए, अब मेरे पास जगह नहीं है तो हम कहीं ना कहीं तो साफ करेंगे, हम उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, या फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, हम क्या करते हैं इस साइड में कुछ कर देते हैं, आपको इसके नीचे ही बनाना है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, नौ जो यहाँ पर प्लस में है बराबर के, इस तरफ भी नौ प्लस में है तो ये कट गया। ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे, ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में है तो कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया, इस तरफ कुछ नहीं बच गया तो जीरो, इस तरफ फोर माइनस फोर है। अब देखिए जीरो बराबर फोर माइनस फोर ए, ठीक है। अब देखिए फोर माइनस फोर ए को इस तरफ ले आइए तो प्लस फोर ए हो जाएगा बराबर फोर, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा ये फोर, और ये जो चार गुना में है ये भागा में हो जाएगा, फोर बाय फोर बराबर वन, तो ए बराबर कितना आ गया वन, ए बराबर कितना आ गया वन आ गया, ए बराबर आ गया वन। आप यहां पर समझ गए ना कि नौ देखिए ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ भी नौ प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्लस नौ इस तरफ है तो समीकरण के नियम से इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस नाइन होगा, और नौ में से नौ घटेगा तो जीरो हो जाएगा। इसलिए जो बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज रहे तो उसको कैंसिल कर देते हैं, जिस तरह से हमने रूट को कैंसिल किया था उसी तरह से यहाँ पे प्लस नाइन कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इतना ही तो बच गया था, इस तरफ कुछ नहीं बचा था तो जीरो, तो इस तरफ कुछ नहीं बचा था तो जीरो लिख दिए, इस तरफ फोर माइनस फोर ए बच गया था तो सेम टू सेम यहाँ से लिख दिए। अब ये देखिए माइनस फोर ए को इस तरफ लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, तो माइनस फोर ए इस तरफ आने पर प्लस फोर ए हो गया, ये फोर इसी तरफ है। अब देखिए ए बराबर ये फोर यहाँ पर लिख लिए, ये जो चार गुना में था भागा में चला गया, चार में चार से भागा दिए तो वन आ गया, तो ए बराबर वन। और क्वेश्चन में यही कहा गया था ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान कितना हो गया वन, तो यही अपना आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में यही था वीवीआई क्वेश्चन, कल आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसके पूछे जाने की संभावना अधिक होगी, वही क्वेश्चन लेके हम कल आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।